वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और अभी हो रही शाम और मैं अभी खड़ा हूँ अपनी पुरानी लोबी में। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है तो हमें शिफ्ट होना है। एक्चुअली इधर होना है, मैं इधर ये डबल सीटर लोबी में। और क्या बोलते हैं कि हमारी पूरी लोबी खाली हो चुकी है, सबने शिफ्ट कर लिया, सबको शिफ्ट करके एक दो दिन हो गए। बस मैंने ही शिफ्ट नहीं किया क्योंकि प्रियांशु जा रखा था घर, तो अभी आया नहीं, तो उसका सामान मैं ही शिफ्ट कर दूँगा। अभी सारे कमरे बंद हो चुके हैं, मतलब सबने शिफ्ट कर लिया, पूरी लोबी खाली हो गई हमारी। टमटा लोगों ने भी सब में शिफ्ट कर लिया, ख़त्म। बस हमारा रूम बचा है एक, आज देखता हूँ मैं भी शिफ्टिंग कर ही दूंगा। हमारे कमरे की हालत हो रही कुछ ऐसी, तो इसको हम सही से शिफ्ट करके ओरिएंटेशन करेंगे अच्छे से ऊपर। अब मिलते हैं नए लोबी में। शिफ्ट करना है, डबल सीटर थोड़ा छोटा है। अब थोड़ा सामान अरेंज करता हूँ। खाली कर दिया हमने अपना कमरा, ये किताबें और ये चप्पलें हम जूनियर के लिए गिफ्ट छोड़ के जा रहे हैं अपने। उन्हें पहन लेंगे तो पहन लेंगे, नहीं तो फेंक देंगे। नए कमरे में बस अब ओरिएंटेशन करना बाकी, करता हूँ उसका। फिलहाल तो जा रहा हूँ पोस्टिंग, पीडीए में चल रही पोस्टिंग। अभी आखिरी दिन आज मेरी पीडीए की पोस्टिंग का, उसका पीडीए की पोस्टिंग खत्म हो जाएगी। अब अपनी नई लोबी में आ गया मैं इधर। आज मौसम भी कितना बढ़िया हो रहा है, क्लास 2 बज रहे हैं, क्लास जाने, तूफान एकदम, हवा कितना मस्त हो रहा मौसम। तो हम लोग नई लोबी में शिफ्ट हो गए, अब नई लोबी से क्लास आते हुए हम यार। तो कुछ इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब हमारा नया पड़ोस है कार्तिक स्वरूप, जिसे आप बोल रहे थे कि गिटार वाला मिस हो गया। एक बार कमेंट आया था, एक बार बता तेरे लिए कि गिटार वाला कहाँ गायब हो गया। अब सोमिल भी हमारा पड़ोसी बन चुका है यही। तब तो उसके गाने आपको सुन, पहले तो वही ब्लॉग्स में ले नहीं रहे थे हमको, भूल ही गए थे पहले हमको, न्यू टारगेट है अभी रोज गाने गाते। अरे बज्जू डॉन ये भी हमारा पड़ोसी है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 2 बज रहे हैं। अब हम क्लास करने जा रहे हैं। हाँ मैंने मतलब मोटा मोटा कर ही लिया, आज से सुन लो जाऊंगा। कहाँ से बड़ी इसलिए क्लास नहीं आ पा रहा है। मैं आ रहा है सक्सेना पोस्ट फोन, जो कि है इंटर्न, उनकी कार हो गई बंद, तो हम जा रहे हैं नीचे धक्का लगाने। अब उनकी कार करते हैं स्टार्ट। चुनी दिन बोस सक्सेना उसी कार में धक्का लगाए गिरी गोस्वामी। रेडी, आज कार स्टार्ट करके रहेंगे हम, बैठो बस। चलो मैं भी बंद करता हूँ वीडियो, भी धकला आ जा रहा हूँ बा। आ जा और खुद ही हम कार में बैठ के स्टार्ट करते ही। आ जाओ, गिरी क्या कर रहा है? गिरी क्या वो चिल्ला गिर गया 5 रुपए का बल। अच्छा उठा ले रहे गिरी, खाएंगे वीरो जहाँ ले जाओ। बहुत पहले के बताया कि घूमने में ट्रायल करके आता। अरे बॉस का तो वैसे ही प्लान बना होगा, शर्मा रहा तो शर्मा रहा तू तो गार्ड वाला है ना, उस ड्राइवर ले लेंगे। हाँ आप ले जाओ बॉस, बताओ बताओ कुछ। हमने तो बस आपने कितने बजे आना है पोस्टिंग वापस? अब ड्यूटी
तो ओ सही सही, हम भी 2 बजे से क्लास जाएंगे अपनी, अभी तो 1 घंटा सोने का बस, हमारे पास काफ़ी टाइम है अभी, हमारे पास मस्त सोएंगे। हम लोगों ने सोचा था कि बॉस सिर्फ कार को धक्का लगवाने बुला रहे हैं, तो हमने उन्याल को नहीं उठाया, वो सो रखा था। हमें जाते हुए पता लगा जब कार को धक्का लगाया कि बॉस हमें चाय पिलाने ही लेके सीधा उन्याल ने, मिस कभी भी सो रखा वैसे गिरी, मुझे तो उम्मीद है। तू फिर क्या करोगा, उन्याल उठाओगे सो रखा तू बता नितिन, चल देखते हैं। गेट खुला, उठ नहीं रही है ऐसे, उम्मीद तो बहुत कम है इससे। उम्मीद में कायम थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा भाई, खतरनाक। 4 बजे सोता है, पढ़ता है रात भर, पढ़ता है। अच्छा ये नींद खुलती है पता है ना, ताकि घर वालों को लगे कि उन्याल पढ़ता है रात भर, तब सोता है सुबह। नहीं नहीं सही है, पढ़ता है। हाँ पढ़ता है, पढ़ता है, उन्याल पढ़ता है। सुहेब मलिक और ये हमारे रंजन बाबा, नया नया वो है, नया वार्डन नहीं है वो है, क्या बोलते थे, नया नया हॉस्टल में शिफ्ट हुआ रंजन। कहाँ जा रहा है रंजन? उमर पता नहीं देख। अरे मलिक तू बता क्या चल रहा तेरा? कुछ नहीं यार, सर्जरी की पेपर है परसों, तो थोड़ा देख रहा था। क्या क्या बोल रहे हो मलिक भैया? भाई तो उठा रहा, हमारी लोबी का सबसे पढ़ाकू कमरा है। कोठारी तू भी पढ़ी रहा क्या? अभी पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते हैं खैर, पर ये कोठारी आज कोठारी के साथ मेरा स्टडी सेशन, हम जाते हैं स्टडी सेशन के लिए। कोठारी क्या पढ़ा पैथोलॉजी? पैथोलॉजी पढ़ने का भी नहीं, पढ़ूंगा पढ़ूंगा। पर हम ऐसे पढ़ते हैं अंडर द नारंग ऑफ गाइडेंस ऑफ कार्तिक नारंग ऑफ कार्तिक आई मीन गाइडेंस ऑफ कार्तिक नारंग नारंग चुका नहीं नहीं सो मिलते जो है बता। तुम्हारे कमरे में घुसने से पहले मैंने ये बताया कि ये लोबी का सबसे होशियार और पढ़ाकू कमरा है, पर मैं कोठे को देख के हैरान हूँ, कोठारी क्या कर रहे हैं? हम तुम्हें धोखा दे चुके हैं, हम पढ़ेंगे आज से। आज से ही पढ़ रहे हो, पहले से शुरू कर दिया? नहीं यार, आज पहला लेक्चर है वो सिखाने का, आप तो सीख चुके सब। आपका दूसरा रूममेट कहाँ है? वो ऑलवेज ऑन कॉल, वो सही है, वो हमारे सही है। एक लड़का जरूर होता है हर लॉबी में, ऑन कॉल ड्यूटी में रहता है जो हमेशा हमेशा कॉल कर। चलो चलो पढ़ो अभी।